मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास बेटा। बेटे आज हम करने जा रहे हैं 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर जो आपको नंबर्स दिए गए हैं दीज आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इट मींस जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको 1/4 एंड -1 दिया गया है, तो जो 1/4 है ये आपका सम ऑफ द जीरोस होगा एंड जो -1 है ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। आपको क्या करना है, इन दोनों का यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है। तो बच्चे यहाँ आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब आप कहोगे एस एक्स प्लस पी व्हाट इज दिस, नाउ एस, एस का मतलब होगा हमारा सम ऑफ द जीरोस। एस हमारा क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस, एंड पी आपके पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नाउ पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एंड व्हाट इज के, जो आपके पास के है, के आपके पास क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, या आपका कोई भी यहां पर नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है। सिंपली आपके क्या करना है, इसके अंदर ये जो आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यहां आपको सम भी गिवन है, आपको प्रोडक्ट भी गिवन है, आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर आपको एस एंड पी की वैल्यू को पुट करना है। जैसे मैं इस फॉर्मूले को लूंगी और इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी, तो हम चेक करते हैं कि हमारी पॉलीनोमियल कैसी बनेगी। तो ये बनेगा आपका के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस मीन्स सम। ये जो आपका फर्स्ट में लिखा हुआ है वो आपके पास क्या है, एस है, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास, सॉरी ये आपके पास 1/4 है प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल है, -1 के। तो p की जगह यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे इसको, k इंटू ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस, माइनस 1 को आप लिख सकते हो 1/1, x स्क्वायर के नीचे भी आप क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हो। आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इसका एलसीएम ले लोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, 4 × 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर, 4 × 4 1 हो गया, 1 को 1x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1x हो जाएगा, 4 × 4 4 आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। अब ये जो आपका बाय में 4 है वो k के साथ बाहर कर दोगे आप, तो ये आपके पास बनेगा k/4, नाउ 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस का 4। क्लियर, आपको क्या फाइंड करनी थी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो आप सिंपली इस पूरे को ऐसे रख दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, सिर्फ इसको लो 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 और इसे आप आंसर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्लियर है, तो आपको इस टाइप से अगर सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे और इस फॉर्मूला के अंदर एस और पी को पुट करोगे। मैं इसी का करने जा रही हूँ बेटा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, जो सम दिया गया है वो है आपके पास जीरो, सम आपके पास किसके इक्वल है, जीरो के, एंड प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल है, √5 के। नाउ यू राइट हियर के एक्स स्क्वायर सम, सम की जगह क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एक्स, ये जो एस एक्स है इट मीन्स एस के एक्स के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्लस पी, पी मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो ये आपके पास बनेगा के इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जीरो होगा, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, आगे हमारे पास क्या पड़े है, प्लस का √5। तो आपके पास जो पॉलीनोमियल बनेगा, आप क्या करोगे, पॉलीनोमियल क्या बना आपके पास, ये वाला, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, दैट इज द आंसर। क्लियर है, इसी टाइप से आप नेक्स्ट कर सकते हो, जिसमें आपके पास सम दिया गया है माइनस का 1/4 एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या है, 1/4। चलिए इसे भी कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नाउ के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम आपके पास कितना है, माइनस का 1/4।
इनटू एक्स प्लस पी, पी कितना है आपके पास 1/4। ओके सॉल्व करोगे इसको एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाय 1। एलसीएम ले लेंगे 4 और 4 का एलसीएम हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 × 4 = 4x² हो जाएगा ये आपका माइनस 4 × 4 1 हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा माइनस 1 इनटू एक्स। 4 × 4 1 हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आपका बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा k बाय 4 4x² माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 1x एंड प्लस का 1 तो जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपका बनेगा वो क्या बनेगा 4x² प्लस x प्लस 1 दैट इज द आंसर। ओके इजी है बेटा आपको ये फॉर्मूला करना है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड आउट करना है। वैसे इसका एक और मेथड भी है जहां पे हम क्या करते हैं a b और c की वैल्यूज को फाइंड करते हैं और ये जो हमारी जनरल फॉर्म होती है ax² plus bx plus c इसके अंदर हम a b c की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो, ये वाले भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो ये ज्यादा इजी था इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड कराया। ओके बेटा ये था आपका 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है जल्दी ही मैं करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।